नमस्कार दोस्तों, माय बेस पीएच पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है इंटरव्यूअर नेम, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, मुझे जेंडर के लिए रेडियो बटन बनाना है, मुझे स्टेट के लिए ड्रॉप डाउन बनाना है, या फिर मुझे चेक बॉक्स बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? फिर मुझे मल्टीपल स्किल्स को सिलेक्ट करना है, तो आज हम वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने जा रहे हैं। इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। आज हम टेक्स्ट बॉक्स देखेंगे, देन जेंडर देखेंगे, देन पासवर्ड और स्टेट, देन मल्टीपल सिलेक्शन, चेक बॉक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए हम कैसे इसे बनाते हैं। तो ये आपका एचटीएमएल पेज है, इसको हम नोट पैड पर ओपन करते हैं, इस पर कोड करेंगे, ठीक है। और ब्राउज़र पे डबल क्लिक करके हमको आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखेंगे। यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपन एचटीएमएल। जैसे कि आपको एचटीएमएल का सिंटेक्स तो पता ही है, हेड हेड में कुछ भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसका टाइटल या सब लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इससे मैंने दे दिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, देन H3 क्लोज, देन टाइटल जो भी आपको देना है। जैसे मैंने मेरी टाइटल दे दिया माय बेस्ट PHP। ब्राउज़र पे जाके हम रिफ़्रेश करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आपका प्रोग्राम का नाम आ रहा है first.html, तब यहाँ पे टाइटल आपको शो हो जाएगा माय बेस्ट PHP, ठीक है। ये आपका हेडिंग आ गया। अब हम आगे का फॉर्म बनाते हैं। तो बॉडी फॉर्म टैग लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो रिसेट बटन होती है वो हमेशा फॉर्म टैग पे काम करती है। यदि आपने फॉर्म टैग नहीं लगाया तो आपकी जो रिसेट बटन है वो आपके फॉर्म को कभी रिसेट नहीं करेगी। मैं आपको रिसेट बटन बनाना बताऊंगा, इसलिए मैंने फॉर्म टैग लगाया है। लिखा मैंने इंटर नेम, जो भी आपको मैसेज देना है। तो देखिए सिंपल मैसेज आ जाएगा यहाँ पर, इंटर नेम। आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो इनपुट टाइप आपको लिखना पड़ता है टेक्स्ट, तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट आ जाएगा। अब आप इसके अंदर कुछ भी मैसेज यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें दो प्रॉपर्टी वो चलती है, एक चलती है वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया माई बेस्ट PHP, तो डायरेक्ट उसमें वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो आप यदि ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आप डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू दे के डायरेक्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं रीड ओनली, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रीड ओनली। तो रीड ओनली में क्या होगा कि कोई भी इस पर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा, कुछ लिख भी नहीं पाएगा। तो डिपेंड करता है आपको यदि ऐसा करना है। हालांकि ऐसा जब हम फेचिंग करते हैं डाटाबेस से जब यूज़ किया जाता है, अभी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी तो सिंपल हम इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखते हैं, तो सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। एक चलता है प्लेस होल्डर, जैसे वाटर मार्क टाइप जो डालते हैं ना अपन टेक्स्ट बॉक्स में, उसके लिए होता है प्लेस होल्डर। मैंने लिखा इंटर नेम, तो देखिए ये आ गया। अब जैसे आप कुछ लिखोगे वो हट जाएगा, इट्स कॉल्ड प्लेस होल्डर, ठीक है। तो हमने इंटर नेम देखा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। मैंने लिखा इंटर पासवर्ड, पासवर्ड आपको शो होते हैं क्या? नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटर पासवर्ड, इनपुट टाइप हम क्या लेंगे पासवर्ड। जैसे आप, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिख दिया मैंने इंटर पासवर्ड, तो देखिए पासवर्ड आया। अब यहाँ पे देखो बुलेट सा जाएंगे क्योंकि आपने टाइप के लिए रखा है पासवर्ड। यदि आप टाइप टेक्स्ट लेते तो टेक्स्ट आता, लेकिन अभी टाइप आपने लिया है पासवर्ड, तो आपको फिर बुलेट्स शो होंगे। अब ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, या तो आप इसको टेबल के फॉर्मेट में बना लीजिए, या टेबल फॉर्मेट आपको नहीं बनाना है तो आप इसके बाद यहाँ पे BR टैग लगा दीजिए, तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। आप एक और लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं तो वापस से BR लगा दीजिए, दो लाइन का ब्रेक हो जाएगा आपको, ठीक है। अलाइनमेंट के साथ मैं बताऊँगा आपको कि टेबल में कैसे बनाते हैं इसे। तो ये पासवर्ड हो गया। अब बात करते हैं जेंडर की, तो लिखा सिलेक्ट जेंडर, तो सिंपल लिखा आ गया सिलेक्ट जेंडर, लाइन ब्रेक कर देते हैं अपन, BR दिया, ठीक है। अब आपको लिखना है मेल, तो सिंपल लिख दिया हमने मेल, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, तो एक बटन बनी हुई आ जाएगी आपकी रेडियो बटन, ये देखिए बटन बनी हुई आ गई, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया फीमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो,
तो आपकी दूसरी बटन बनी रह जाएगी। तो देखिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये, तो देखो अभी कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक बात ध्यान रखना है, क्लाइंट साइड से यदि आपको सर्वर साइड पे जाना है, यदि आपको HTML पेज से PHP पेज पे जाना है, तो हम नेम का यूज़ करते हैं, नेम और मेथड गेट पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करना पड़ती है। तो अभी हम क्लाइंट साइड पे, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमको तो PHP पढ़ना ही नहीं है, हमको तो सिर्फ HTML पढ़ना है, तो क्या हमको नेम की रिक्वायरमेंट है, तो आप भले कहीं भी नेम का यूज़ मत करो, ताकि जेंडर में तो आपको नेम का यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर नेम का यूज़ करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया नेम इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते हैं GEN, ठीक है। वो फीमेल का भी नेम मैंने फॉर एग्जांपल सेम रख दिया अभी GEN, तो ऐसा करेंगे तो गलत है। यदि आपने दोनों नाम सेम रख दिए, सॉरी दोनों नाम सेम रखे तो ठीक है। देखिए अब एक सिलेक्ट होगा या तो ये एक सिलेक्ट होगा। हाँ यदि आपने ऐसी गलती की होती, यदि इसका नाम GEN और इसका नाम यदि आपने GEN1 रखा होता, दोनों के नाम डिफरेंट रखे होते, तो देखिए तो क्या होता, तो दोनों सिलेक्ट हो जाते। तो ध्यान रखिए मेल फीमेल है तो एक ही प्रॉपर्टी, इसलिए आपको दोनों के नाम सेम रखना है। यदि इसका नाम आपने GEN रखा है या कुछ भी रखा है, तो उसका नाम फीमेल का नाम भी सेम होना चाहिए, तो ही एक सिलेक्ट होगा, अदरवाइज दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इन फ्यूचर यदि इसकी वैल्यू आपको डाटाबेस में भेजना है, तो डाटाबेस में यदि आप रेडियो बटन की वैल्यू सेंड करेंगे, तो रेडियो बटन रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू, इट्स कॉल्ड ट्रू और फॉल्स। तो डाटाबेस के जैसे मेल सेलेक्ट करोगे तो ऑन स्टोर हो जाएगा, फीमेल सेलेक्ट करोगे तो भी ऑन स्टोर हो जाएगा। तो मुझे क्या पता चलेगा कि भाई कौन मेल है कौन फीमेल है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर डालना चाहिए वैल्यू कि भैया जैसे ही मैं मेल सेलेक्ट करूँ तो डाटाबेस के अंदर ये वैल्यू जाए। तो क्या वैल्यू जाए, मैंने लिख दिया मेल। यदि कैपिटल में एम का, मेल का एम कैपिटल लिखा है, तो मेल का एम कैपिटल ही जाएगा, जैसा आप दोगे वैसा जाएगा। वैल्यू इज इक्वल्स टू फीमेल, तो फीमेल। अब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अब जब जैसे ही आप मेल सेलेक्ट करोगे, सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, और आपका डाटा सर्वर साइड पे जाएगा, वो डाटाबेस में स्टोर होगा, तो 100% जैसे ही आपने मेल सेलेक्ट किया, तो डाटाबेस के अंदर एंट्री में मेल ही स्टोर होगा। तो ये हमने आज देखा कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं, पासवर्ड के लिए कैसे बनाते हैं, जेंडर के लिए हम क्या करेंगे। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा स्टेट, मल्टीपल स्किल्स, चेक बॉक्स, सबमिट बटन, रिसेट बटन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और आगे भी आप इस टाइप की वीडियो देखने आते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल बटन भी आएगी, उसे दबाइए आप, जिसके कारण आपको कुछ भी मैं नया वीडियो डालता हूँ तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि हाँ आज ये नया वीडियो डला है। तो ये एज ए फ्रेशर, एज ए एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।